है दोस्तों, मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट बात। वेलकम बैक। आज का मुद्दा है कि महुआ मोहित्रा हुई कैमल मोहित्रा, वो उनका माँ काली पर इतना कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट, माँ काली का पोस्टर ऐसा रिलीज करना, उनके बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर माफ़ी मांगना, और वो लीला कोई डायरेक्टर है वो डॉक्यूमेंट्री को रोक देना, मगर दूसरे दिन ये कि अगर बीजेपी उनको एक्सपोज करी, अगर उसको गलत साबित किया तो वो देश छोड़कर चली जाती है, और इस बीचों बीच उन्होंने ये एक मुद्दा उठाया कि ये माँ काली का कंट्रोवर्सी वो ऐसे ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने कई बार पार्लियामेंट में कहा ये हिंदी यूनाइटेड है, क्योंकि इस देश में मुस्लिम है, मुस्लिम का डर ही इनको यूनाइट बनाती है, और बल्कि खुद वो एक्सपोज होते रही इतने दिन, और कल तो बीजेपी को चैलेंज करी कि उनको एक्सपोज करे तो वो ये देश छोड़कर चले जाएगी। इनके लिए बीजेपी क्यों, उन्हों खुद नहीं जानते ऐसा हिंदुओं का आस्था सनातन धर्म को पर प्रश्न चिन्ह उठाते, लिबरल बनके लिबरांडो कब बन गई और कब ये लिबरांडो जोकर बन गई, ये खुद को पता नहीं। मोदी जी इसीलिए खामोश नहीं है, या बीजेपी वाले आपको रिटेलिएट नहीं कर रहे, या हिंदू लिटरेट नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझते हैं आप इग्नोरेंट है तो वो किसी और से को प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कर निकले तो आप देखो, देखकर आपने जिज्ञासा अपने ज्ञान को देखकर सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग NDTV की एंकर्स नहीं होते हैं, जो आप कहते हैं वो सुनते रहेंगे, आप पर देश हंस रही है, ये बात आप नज़रअंदाज करने का ये जो टैक्टिक है, ये रोने धोने का टैक्टिक आप बंद करिए। अब ये RRR नहीं चलेगी इस देश में, जो रेस द इश्यू के लिए आप जो जिस तरह लिबरांडो बनी सब लोगों को मालूम हो गया है, और जो माल काली पर आपको स्टेटमेंट दी, ये इससे पता चलता है आपका ज्ञान कितना है सनातन धर्म पर, खुद हिंदू बोलने शायद आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से JBM वाले का वोट मिलता होगा, इसलिए आप इतना ज़्यादा ओवर एक्शन कर रही है, मगर जितना तरह हिंदू अपने धर्म को समझते हैं उसमें 1% भी आपको कुछ नहीं मालूम है। दोस्तों, मैं इनको एक्सपोज करना चाहती हूँ, विताल तथ्य फैक्ट्स से इनको एक्सपोज करूंगी, और जो इसका नज़रिया है ये हिंदू धर्म में तो प्रश्न चिन्ह उठाती है, मगर यही महुआ मोहित्रा वही कैमल मोहित्रा ने कभी हलाला पर कुछ नहीं बोला, हलाला का जो गार्ड है जो अल्लाह है वो हलाला करके किसी को जानवर को काट कर खाने का इजाज़त देता है, तब उसको अल्लाह इतना भयानक नहीं दिखता जितना काली माँ काली दिखती है इनके लिए, और नहीं क्योंकि इनको लिबरांडो बनना है, क्योंकि ये उन गैंगों में से एक है जो ये RRR में रेस द इश्यू करने वाले के साथ ये रहकर हिंदुओं का डाइवर्ट करना चाहती है, तो इसका इनका ड्रामा एक्सपोज हुआ, क्योंकि ये खुद को समझ में खुद का धर्म समझ में नहीं आता, इसका दोष किसका है, और लोगों का तो नहीं होता है ना, जैसे नूपुर शर्मा ने निपुर रिपोर्टल किया तस्लीम रहमानी को, तो उसको सीरियस लेकर कंट्रोवर्सी करके उसको बहकाऊ में आकर जिहादी करने वाला वो उनका प्रॉब्लम है, और ना ही किसी आम जनता का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जिसका कोपरिया में कितना ज्ञान होती है वो उतनी लेवल का ही सोच। तो महुआ मोहित्रा से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको तो माँ काली इतना भयानक डरावना मांस काले वाले अल्कोहल काले पीने वाले, ऐसा आपका इमेजिनेशन इतना गंदगी से भरी हुई है, जो माँ काली के बारे में क्या आपने पढ़ा कभी, क्या सनातन धर्म के बारे आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप ये जय भीम का ये
कम्युनल पॉलिटिक्स करने में भी आप व्यस्त रहे होंगे। आप आपको कितने बार टीवी चैनल्स ने एक्सपोज किया, आप जो बात करती है वो कभी अमेरिका में या लंदन में किए गए सो वो बात ही आप हमारे पार्लियामेंट में आकर आप बोलती है बोल के, आपको शर्मिंदगी क्यों नहीं होती? ये मुझे मालूम है ये एक ये पहली बार नहीं मगर ये बहुत बार आपने ऐसा गुस्ताखी की कि हिंदू धर्म को आपको इंसल्ट कर रहे। तो मैं दोस्तों आप इन महुआ मोहित्रा को देखिए और एक तरफ यही बंगाल से आने वाले पूजनीय रामकृष्ण परमहंसा जी को देखिए, माँ काली को वो ये इतना भयानक डरावसा मांस खाने वाले अल्कोहलिक खाने वाले बोल रही है, मगर महुआ मोहित्रा जी आपके बंगाल से आने वाले जो आपको सपोर्ट करने वाली ममता दीदी से पूछना चाहती हूँ, यही रामकृष्ण परमहंसा को तो माँ काली का चरण पायल उनका कानों में सुनाई जैसे है और उनके जो एटर्नल प्यार है वो उनका प्यार उन पर बरस रही है, वो माँ काली के लिए तरस गया है उनके एक दर्शन पर। जब उन्होंने माँ काली का डिस्क्राइब करते हुए कहा कि माँ काली काली नाम से काली है मगर जब क्योंकि तुम उनके दूर हो आप उनके समझने में उनका उनको पाने के लिए पाने से दूर हो इसीलिए वो काली दिखती है, जैसे हमको आसमान काले दिखती है मगर जब सच्ची में अंतरिक्ष में जाए तो वहाँ पे कोई रंग नहीं होता आसमान का, वैसे ही माँ काली से हम दूर है इसीलिए काली का अर्ध आप लोग डार्क या काला रंग का पहचान दे रहे हैं, मगर जब माँ काली का प्यार अनंत प्यार और वो कृपा आप जब फील करेंगे आप उनका एहसास करेंगे तब माँ काली कोई और रंग नहीं माँ काली माँ होती है उनका इनका प्यार में हम तरस जाएंगे बोल के रामकृष्ण परमहंसा जी ने बोला। तो इससे पता चलता है कि यद भावन तद भवती, महुआ मोहित्रा के दिल में ही सनातन धर्म के लिए तो आक्रोश था जो उनके के लिए सनातन धर्म के जो बैड फीलिंग्स है वही इनका एगोइज्म है इनका जो ही इनका कैरेक्टर है वही दर्शाती है माँ काली को जब वो देखते हैं तो इसको कहते हैं संस्कृत में यद भावन तद भवती, जैसा आपने सोचा वैसे ही पाया, इसीलिए इनको एक डरानु भयानक, मगर रामकृष्ण परमहंसा जी को तो माँ काली एक अनंत देवता है जो प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं है उनके पास, उनका रंग काली काला रंग क्या है इसीलिए है क्योंकि हम उनसे दूर है। मैं और एक एग्जांपल दोस्तों आपको देना चाहती हूँ कि ये लोग ये लिब्रांडो गैंग ये खान मार्केट गैंग ये टूल किट गैंग वाले ये बॉलीवुड हॉलीवुड वो लोग ये समझते हैं कि जैसे ये लोग मोदी जी को योगी जी को देखकर सैफ्रन टेररिज्म का इनको याद आती है, मगर अफ्रीका से लेकर इंडिया में हर एक नागरिक जो कोरोना से जब बच गए तो तब उनका प्यार देखा जो उनका कंसंट्रेशन देखा जो हमको बचाने के लिए उन्हें कितना सख्तीन तरीके से काम किया उस देखने के बाद हमको हम जैसे बहुत इंसान जिसका नाम इंसान है वो सब ने उनको एक अमृत मूर्ति एक प्यार भरा मूर्ति ही जो इनके मन में ह्यूमैनिटी के अलावा कुछ नहीं है वो प्यार ही प्यार है मोदी जी के अंदर बोल के समझने वाले लोग अलग है और कौन लोग है उनको काली सैफ्रन टेररिज्म की तरह उनको दिखती है क्योंकि इनके मन में डर है इसीलिए मोदी जी का प्यार नहीं दिख रहा मोदी जी का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा इनको काली सैफ्रन टेररिज्म दिख रही है। अगर जो अन्याय में बात अन्याय पर दंड करने वाला योगी जी भी इनको टेररिस्ट सैफ्रन टेररिज्म की तरह दिख रहा है देश गुम हो जा रही है देश बर्बाद हो जा रही है ये इनका नारा लगाते हैं इसको कहते हैं यद भावन तद भवती।
कोई डराने वाला डाइन नहीं है, उनका पास अनंत प्रेम है जो हम उनसे दूर है, इसलिए माँ काली का रूप आपको भयानक लग रही है। अगर हम माँ काली को समझने लगे हैं, उनके पास अनंत प्यार है जिसमें हमको मोक्ष मिलती है और फिर एक बार जन्म लेने के लिए दुविधा नहीं प्रकट होती है, हमको मोक्ष मिलती है। इसीलिए आप सदा यद भावन तद भवती, सदा माँ काली को स्मरण कीजिए, माँ काली का प्यार आप भी पाइए। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।